हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है जुलाई माह के नेशनल इंटरनेशनल करंट के ऊपर। आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सब पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम अभी हाल ही में देश में चल रहे सबसे संवेदनशील मुद्दे असम राज्य के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि बोर्ड पे हर चीज़ें लिख पाना पॉसिबल नहीं है। मैंने बोर्ड पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको डिटेल बताते जाऊंगा। उस डिटेल में आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ चर्चित स्थलों के ऊपर। पहले नंबर पर है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा प्रसिद्ध है एक विलुप्त प्राय जीव ओलिव रिडले कछुए के निवास स्थान के रूप में। लेकिन ये नेशनल पार्क अब फिर से चर्चा का विषय रहा है एक अन्य विलुप्त प्राय जीव के प्रवास स्थान एस्टुराइन मगरमच्छ के लिए। एस्टुराइन मगरमच्छ भितरकनिका नेशनल पार्क के समुद्र के मुहाने पर तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र में इसके निवास स्थान के क्षेत्र के रूप में उसे अंकित किया गया है। तो अब भितरकनिका नेशनल पार्क को आप दो विलुप्त प्राय जीव के आवास के रूप में आप याद रखेंगे। पहला है आपका ओलिव रिडले कछुआ और दूसरे नंबर पर है आपका एस्टुराइन मगरमच्छ। ठीक, सेकेंड नंबर पर है आपका यदागिरी गुट्टा मंदिर। यदागिरी गुट्टा मंदिर स्थित है आपका तेलंगाना राज्य में। ये मंदिर इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसके पर्यावरण अनुकूल मैनेजमेंट व्यवस्था को देखते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे हाल ही में ISO सर्टिफाइड किया है। यदागिरी गुट्टा मंदिर में आपकी माता लक्ष्मी तथा भगवान नरसिंह, जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतारों में से एक है, भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी, इनकी प्रतिमा स्थापित है। ठीक, ई वेस्ट प्लांट बेंगलोर, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ई वेस्ट प्लांट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेंगलोर में ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की है। वर्ष 2017 में आए रिपोर्ट के अनुसार भारत ई वेस्ट उत्पादन की दृष्टि से विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है, मतलब भारत 5वें स्थान पर है। भारत में प्रतिवर्ष 18.5 लाख टन ई वेस्ट का उत्पादन होता है। ई वेस्ट में शामिल प्रोडक्ट है जैसे आपके स्मार्टफोन्स, आपके कंप्यूटर चिप्स, हार्ड डिस्क, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स आपके ई वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2017 में ही नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल की एक अन्य रिपोर्ट आई जिसमें भारत के राज्यों में ई वेस्ट उत्पादन की सूची उसने जारी की थी, जिसमें टॉप 3 पे थे आपके, पहले नंबर पे था मुंबई, दूसरे में था दिल्ली और तीसरे नंबर पर था आपका बेंगलोर। बेंगलोर आपका तीसरे नंबर पर था और बेंगलोर में ही आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने की है। ठीक, नेक्स्ट है अपना सैमसंग संयंत्र नोएडा उत्तर प्रदेश। विश्व में मोबाइल या स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की दृष्टि से चाइना के बाद सबसे बड़ा मार्केट है अपना इंडिया। सैमसंग कंपनी का यह दावा है कि 5000 करोड़ के निवेश से बनाए जा रहे नोएडा का यह प्लांट विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हाल ही में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन जब भारत प्रवास में आए थे तब उन्होंने इस संयंत्र का उद्घाटन किया था, सैमसंग संयंत्र नोएडा UP। ठीक है, अगला है आपका कौशल प्रशिक्षण केंद्र। हमारे केंद्रीय उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने यह घोषणा की थी कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा जो कि भारत में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करेगा। इसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में देश के पहले कौशल प्रशिक्षण केंद्र के खोले जाने की घोषणा की है। तो देश का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका धरोहर भवन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया तथा उसका नाम रखा गया है धरोहर भवन। अगला है आपका खादी मॉल। देश का पहला खादी मॉल बनाया जा रहा है आपका झारखंड में। हस्तशिल्प कला के कारीगरों के रोजगार सृजन के लिए तथा उन्हें एक मार्केट, एक बाजार मुहैया कराने के लिए ये उठाया गया एक कदम है। ठीक है, तो खादी मॉल, देश का पहला खादी मॉल स्थापित किया जा रहा है आपका झारखंड में। नेक्स्ट, ये दोनों पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको। हाल ही में बहरीन में आयोजित विश्व धरोहर स्थल समिति ने भारत के 37वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को चुना है। भारत में वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या हो गई 37। ठीक है, इस 37 विश्व धरोहर स्थलों के साथ भारत अब विश्व में सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 6वें स्थान पर है और एशिया पैसिफिक में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है।
तो 37 जो आपके विश्व धरोहर स्थल है भारत में, उसमें आपके 29 सांस्कृतिक स्थल है, 7 आपके प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है। 29 प्लस 7 प्लस 1 टोटल हो गया आपके 37। ठीक, ये विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको है क्या? विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको कोई प्लेस नहीं है, यह इमारतों की एक श्रृंखला है। यूरोपियन वास्तुकला में बने हुए इमारत ये आपके विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको में आते हैं। विक्टोरियन गोथिक के अंडर में आपके मुंबई हाई कोर्ट से लेकर के पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लाइब्रेरी, ये सारे इसके अंडर में आते हैं। और जो आर्ट डेको है, तो जो मुंबई का जो मरीन ड्राइव है, तो मरीन ड्राइव में समुद्र के किनारे से लगी हुई पहली इमारतों की पूरी जो श्रृंखला है वो आर्ट डेको के अंतर्गत आते हैं। ये आपकी यूरोपियन वास्तुकला में निर्मित इमारतें हैं। ठीक है, अगला है आपका यहूदी राष्ट्र इज़राइल। हाल ही में इज़राइल ने एक नया कानून ज्यूस नेशनल बिल को पास करके स्वयं को यहूदी राष्ट्र घोषित किया है। इज़राइल इससे पहले आपका एक अरब राष्ट्र था जिसकी राष्ट्रभाषा आपकी थी अरबी तथा इसकी राजधानी थी तेल अवीव। लेकिन यह ज्यूस नेशनल बिल जो अभी का सबसे विवादित बिल रहा, इस ज्यूस नेशनल बिल के आने के बाद अब इज़राइल ने स्वयं को एक यहूदी राष्ट्र घोषित कर लिया। साथ ही साथ अपनी राष्ट्रभाषा को बदल करके इसने हिब्रू रख लिया, कैलेंडर भी इसका बन गया हिब्रू कैलेंडर, तथा इसकी राजधानी अब तेल अवीव से परिवर्तन होकर के बन गई है यरूशलम। तो ये सभी पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा कि अब इज़राइल की वर्तमान राजधानी है आपकी यरूशलम, इसकी राष्ट्रभाषा है आपकी हिब्रू, इसका कैलेंडर है आपका हिब्रू कैलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेरी बिटेक पार्क कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में स्थित यह चेरी बिटेक पार्क को भी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये चर्चा का विषय इसलिए रहा क्योंकि विश्व धरोहर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों सूचियों में इसे शामिल किया गया है। चेरी बिटेक पार्क में आपके प्राचीन मानव के अवशेष तथा उनके द्वारा बनाए गए शैल चित्र मौजूद है। यहाँ लगभग 75,000 से अधिक शैल चित्र उपस्थित होने का इसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों सूचियों में इसे शामिल किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका मताला राजपक्षे हवाई अड्डा श्रीलंका। विश्व का सबसे खाली हवाई अड्डा मताला राजपक्षे हवाई अड्डा, जिसका संचालन श्रीलंका ने अब भारत सरकार को सौंप दिया है। मताला राजपक्षे हवाई अड्डा भारत के लिए राजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिकोण दोनों से महत्वपूर्ण है। पिछले साल वर्ष 2017 में श्रीलंका सरकार ने चीन को अपने एक बंदरगाह हब्बन टोटा बंदरगाह को लीज पर दिया था। ये हब्बन टोटा बंदरगाह जो था वो लास्ट ईयर पीएससी का एक क्वेश्चन बना था कि हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो वो है आपका श्रीलंका। तो ये जो हब्बन टोटा बंदरगाह से ही सटा हुआ है आपका मताला राजपक्षे हवाई अड्डा। मताला राजपक्षे हवाई अड्डा को श्रीलंका सरकार ने चाइना से कर्ज लेकर के बनाया था, जो कि अब घाटे में चल रहा था, और इसे विश्व का सबसे खाली हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। अब इसका संचालन कर रहा है भारत सरकार। भारत सरकार के लिए सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण दोनों से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मताला राजपक्षे हवाई अड्डा इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका सम्मेलन। सम्मेलन से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन सम्मेलन से मुख्यतः प्रश्न बनते हैं कि ये सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ, तो इसमें ज़्यादा बताने की कुछ नहीं है, बस इसमें आपको नाम याद रखना है। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका, इसका आयोजन हुआ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसमें दो चीज़ याद रखिएगा, ब्रिक्स में आपके 5 राष्ट्र शामिल है। पहला है ब्राज़ील, दूसरे पे है रशिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पाँचवें नंबर पर है आपके साउथ अफ्रीका। तो ये जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है, ये जोहान्सबर्ग में जो आयोजन हुआ वो राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन था। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का एक अन्य सम्मेलन भी आयोजित हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन है, वो हो रहा है आपका डरबन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, जबकि जोहान्सबर्ग में आपके राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन हो रहा है। ठीक, सेकेंड नंबर पर है आपका चौथा बिम्सटेक सम्मेलन। बिम्सटेक सम्मेलन आपका बंगाल की खाड़ी तट से जुड़े हुए देश तथा उस पर आसन्न देश, आसन्न देश मतलब जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर आश्रित है, इनकी जो समूह है वो है आपका बिम्सटेक। ये बिम्सटेक के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में बिम्सटेक का जो अध्यक्ष राष्ट्र है वो है आपका नेपाल। नेपाल के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है। तो इसका जो सम्मेलन है ये हो रहा है आपका काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 2019, 9 जनवरी 2019 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है आपका वाराणसी में।
इस वर्ष यानी 2018 में 9 जनवरी 2018 को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था सिंगापुर में। यह पहली बार था कि जब प्रवासी भारतीय दिवस को भारत में न मना करके किसी अन्य देश में मनाया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2018 मनाया गया है आपका सिंगापुर में, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 को मनाए जाने की घोषणा की गई है आपका वाराणसी में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी वर्ष 2003 से। ठीक, नेक्स्ट है आपका विश्व संस्कृत सम्मेलन। विश्व में संस्कृत भाषा के महत्व को समझाने के लिए तथा इसके संरक्षण तथा इसे व्यवहार में लाने के लिए प्रति 3 वर्ष में एक बार विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार। ठीक है, इस वर्ष 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया आपका वैंकूवर कनाडा में। जगह याद रखिएगा, वैंकूवर कनाडा। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया आपका पश्चिम बंगाल में, इसमें केवल बस जगह याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें पहले नंबर पर है आपका एथेना उपग्रह। एथेना उपग्रह सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक द्वारा वर्ष 2019 में प्रक्षेपित किया जाने वाला एक उपग्रह है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं बीहड़ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, ऐसे क्षेत्रों में एथेना उपग्रह तथा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध कराना है। तो एथेना उपग्रह का संबंध है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से। सेकंड नंबर पर है आपका पार्कर सौर प्रोब या पार्कर प्रोब मिशन। पार्कर प्रोब मिशन नासा द्वारा सूर्य के बाहरी भाग सोलर कोरोना के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला एक मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य में उत्पन्न होने वाली सोलर आंधियां, सूर्य की किरणें तथा सोलर विंड के अध्ययन या शोध के लिए यह मिशन भेजा जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका और जर्मनी ने संयुक्त रूप से होलियस 2 के नाम से एक संयुक्त मिशन सूर्य पर भेजा था। तो आपको दोनों नाम याद रखने, होलियस 2 तथा पार्कर सौर प्रोब मिशन, ये दोनों सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। अगला है आपका पीपी या पीनल फोनोटाइप। पीपी या पीनल फोनोटाइप एक विशिष्ट प्रकार का आपका रक्त समूह है। जिस तरीके से आपका ए बी तथा ओ रक्त समूह होता है, उसी प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार का रक्त समूह पीपी या पीनल फोनोटाइप भारत के कर्नाटक में पाया गया है। तो पीपी या पीनल फोनोटाइप क्या है? पीपी या पीनल फोनोटाइप एक विशिष्ट प्रकार का रक्त समूह है, जो भारत में एकमात्र भारत में पाया गया रक्त समूह है। ठीक, अगला है आपका लैब, LEAP। लैब क्या है? लैब एक प्रकार का माइक्रोस्कोप है, जो दूरस्थ रूप से संचलित विश्व का पहला माइक्रोस्कोप जो दूरस्थ रूप से संचलित है। लैब का फुल फॉर्म है आपका लोकल इलेक्ट्रोड एटम प्रोब, जो विश्व का दूरस्थ रूप से संचलित माइक्रोस्कोप है। इसे बनाया है आपके IIT मद्रास ने, अर्थात दूरस्थ रूप से संचलित का मतलब यह टोटली रिमोट कंट्रोलिंग माइक्रोस्कोप है, आप ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है आपका ब्राइट पिंक पिगमेंट, ये इसका मतलब है आपका चटकीला गुलाबी रंग। यह मिला है आपके सहारा के रेगिस्तान के चट्टानों के नीचे। इसे विश्व का सबसे प्राचीनतम रंग माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने शोध में पाया कि यह विश्व का सबसे प्राचीनतम रंग है। यह रंग लगभग 1.1 अरब वर्ष पुराना है। इसमें शोध में यह पाया गया, जैसे किसी भी रंग में जब शोध किया जाता है तो वह 7 रंगों में से किसी न किसी रंग में विभक्त होता है, लेकिन जब इसमें शोध किया गया तो यह किसी भी रंग में विभक्त नहीं हुआ। तो इसे विश्व के सबसे प्राचीनतम रंग माना जा रहा है। कौन सा है? ब्राइट पिंक पिगमेंट या चटकीला गुलाबी रंग, लगभग 1.1 अरब वर्ष पुराना है यह रंग। नेक्स्ट है अपना पुरस्कार। फर्स्ट नंबर पर है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 2018 में कुल 6 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से 2 भारतीय है। पहले नंबर पर है भरत वाटवानी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। दूसरे नंबर पर है सोनम वांगचुक, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। भरत वाटवानी की संस्था श्रद्धा रिहेबिटेशनल फाउंडेशन, जो सड़क पर मानसिक रूप से पीड़ित घूम रहे व्यक्तियों को आश्रय, भोजन तथा मानसिक उपचार प्रदान करता है। तो सामाजिक क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्य के लिए इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। दूसरा है आपके सोनम वांगचुक
लेह लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप नामक कार्यक्रम चलाया। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। देखिए सोनम वांगचुक है कौन, आपने आमिर खान की थ्री इडियट मूवी देखी होगी जिसमें लास्ट में जो एक स्कूल का सीन दिखाता है जो कि हाईटेक तरीके का एक स्कूल रहता है, वो स्कूल इन्हीं सोनम वांगचुक का है और आमिर खान की मूवी की वो लास्ट की कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो सोनम वांगचुक को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा दोनों का नाम। अगला है संगीत कला निधि पुरस्कार। संगीत कला निधि पुरस्कार मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा कर्नाटक गायन शैली में योगदान के लिए दिया जाता है। इस साल अरुणा साईराम को यह पुरस्कार दिया गया, इनका बस नाम ही याद रखिए। थर्ड है आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है आपके कोची हवाई अड्डे को। कोची हवाई अड्डा विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है तथा पर्यावरण के अनुकूलतम ऊर्जा के उपयोग किए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया है कोची हवाई अड्डे को। नेक्स्ट है आपका गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपके माइकल ओंटाटेजे की बुक द इंग्लिश पेशेंट को। देखिए मैन बुकर पुरस्कार होता क्या है, इसमें तीन कैटेगरी है। पहला है मैन बुकर पुरस्कार, दूसरा मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, तीसरा गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जो इस वर्ष प्रदान किया गया। मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से किसी एक को दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। सेकेंड मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, अन्य भाषा में प्रकाशित पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए तथा उसका प्रकाशन ब्रिटेन में हो तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है उन्हें दिया जाएगा मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। यानी ट्रांसलेशन हो उसका इंग्लिश में तथा उसका जो पब्लिकेशन हो वो भी आपका ब्रिटेन में हो तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ बुक रहेगी उसको दिया जाएगा मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। थर्ड नंबर पर है आपका गोल्डन मैन बुकर अवार्ड। मैन बुकर पुरस्कार के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। पिछले 5 दशक यानी 50 साल में जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रही उसे दिया गया। तो पिछले 50 साल में जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रही वो थी आपकी माइकल ओंटाटेजे की द इंग्लिश पेशेंट बुक। ये बुक पब्लिश हुई थी आपकी वर्ष 1992 में तथा वर्ष 1996 में इस पुस्तक पर ही आधारित एक मूवी बनी थी सेम द इंग्लिश पेशेंट के नाम पे, जिसने वर्ष 1996 में 9 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है माइकल ओंटाटेजे की बुक द इंग्लिश पेशेंट। तो ये जो द इंग्लिश पेशेंट जो की कहानी है यह एक द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए एक व्यक्ति तथा एक नर्स के मध्य प्रेम और संघर्ष की कहानी है। तो इसको इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कानून। हाथी को कानूनी व्यक्ति और कानूनी इकाई का दर्जा दिया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाथी को कानूनी इकाई या कानूनी व्यक्ति का दर्जा देते हुए उसे समस्त मानव अधिकार दिए, साथ ही साथ लोगों को हाथियों का संरक्षक भी घोषित किया। इसी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में भारत की दो पवित्र नदी गंगा और यमुना को मानव संस्थान या जीवित संस्था घोषित किया था। तो याद रखिएगा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक गंगा यमुना को जीवित संस्थान तथा हाथी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। सेकेंड है विरासत कैबिनेट। उड़ीसा सरकार ने अपनी धरोहरों के संरक्षण के लिए तथा ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण के लिए अपने मंत्रिमंडल में एक नए कैबिनेट का गठन किया जिसका नाम है विरासत कैबिनेट। इस विरासत कैबिनेट के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, यानी नवीन पटनायक की अध्यक्षता में विरासत कैबिनेट का गठन किया गया है। ये गठन हुआ है उड़ीसा में। अगला है आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स असम। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये अभी का सबसे हाईलाइटेड और संवेदनशील मुद्दा है। ये है क्या, देखिए इसको थोड़ा डिटेल में अपन समझते हैं। वर्ष 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 1947 के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान का बांग्लादेश है और दूसरा अभी का पाकिस्तान। जब विभाजन हुआ तो असम से बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ पूर्वी पाकिस्तान में, लेकिन विभाजन के पश्चात भी असम के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान पलायन कर चुके थे उनकी भूमि बची हुई थी आपके असम में। तो विभाजन के पश्चात भी उनका आना जाना असम में चालू था। वर्ष 1951 में जनगणना हुई, आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई वर्ष 1951 में, तो लगभग 80 लाख लोग उस जनगणना में शामिल थे। तो उस 1951 की जनगणना के आधार पर पहली बार बना आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जिसमें कुल 80 लाख लोगों का नाम दर्ज हुआ। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। 1971 के बाद बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन के सामने आया। इस जब युद्ध हुआ बांग्लादेश के निर्माण के समय तो उस समय भी भारी मात्रा में जो बांग्लादेश के शरणार्थी थे उनका पलायन हुआ असम में।
तो असम में शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। उसी समय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने इस बढ़ते शरणार्थियों की समस्या को देखते हुए प्रदर्शन करना शुरू किया। उनके आंदोलन प्रदर्शन के फलस्वरूप वर्ष 1985 में एक समझौता हुआ जिसे असम समझौता कहा जाता है। इस असम समझौते के अंतर्गत ये केवल एक समझौता था। इस असम समझौते के अंतर्गत 24 मार्च 1971 के मध्य रात्रि तक जो लोग भारत के राज्यों में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब असम के सीमा में जो प्रवेश कर चुके हैं 24 मार्च 1971 की रात्रि तक उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यह समझौता था, इन्हें कानूनी रूप से इन्हें नागरिक माना नहीं गया था। इस पर हस्ताक्षर किए थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। तो इन्हें जो अधिकार दिए गए थे वो अधिकार इस समझौते के अंतर्गत जो नागरिक पलायन करके या जो शरणार्थी पलायन करके आए थे उन्हें क्या अधिकार दिए गए थे। वर्ष 1971 से पहले या 1951 की जनगणना में या 1951 की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज था उन्हें भारत का नागरिक कहा जाएगा और साथ ही साथ उन्हें वोट देने के अधिकार भी होंगे। लेकिन जिनका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जिनका नाम शामिल नहीं है उन्हें भारत का नागरिक तो माना जाएगा लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होंगे। यह मुद्दा अभी हाल ही में फिर से गर्मा गया है जिसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जिन व्यक्तियों के नाम होंगे केवल उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा। वर्तमान में लगभग 3.29 करोड़ लोगों ने इसमें आवेदन दिया है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन केवल अप्रॉक्स 1.9 लाख लोग ही इसमें अभी केवल पंजीकृत हुए हैं, बाकियों का अभी कोई अता पता नहीं है। तो जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है ये 1951 के जनगणना में जिन लोगों ने अपना विवरण दर्ज कराया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो तथा उनके वंशज केवल उन्हीं के नाम दर्ज है और इन्हें ही भारत का नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। इसका अंतिम डेटा प्रकाशित होगा अभी इस वर्ष के अंत में 31 दिसंबर में। तो 31 दिसंबर को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जिन भी व्यक्तियों का नाम शामिल होगा केवल उन्हें ही असम में भारत के नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। तो यह था मुद्दा आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का। अगला है डायन प्रताड़ना विधेयक असम। आज़ादी के इतने साल बाद भी असम में डायन चिन्हित करके किसी व्यक्ति विशेष की हत्या कर दी जाती थी और इसमें कोई भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती थी क्योंकि यह घटना को मोब लिंचिंग यानी मोब लिंचिंग का घटना माना जाता था। मोब लिंचिंग होता क्या है कि पूरे के पूरे गांव या एक बहुत बड़ा भीड़ किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दे, तो उस स्थिति में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती। अभी तो फिलहाल मोब लिंचिंग के ऊपर कानून बन चुके हैं लेकिन फिर भी जो आपका असम है वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को किसी को ओझा या किसी को डायन चिन्हित करके उसकी हत्या कर दी जाती थी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी दी। तो डायन प्रताड़ना विधेयक असम से संबंधित है। अगला है आपका 100 रुपये का नोट। हाल ही में सरकार ने 100 रुपये का नोट जारी किया है जिसका रंग है आपका लेवेंडर तथा इसके पीछे जो आपका रानी के वाव का चित्र अंकित है, रानी का वाव जो चित्र है ये संबंधित है आपके गुजरात से। इस रानी का वाव यह एक सीढ़ी नुमा एक कुआं है। इसकी जो निर्माण है रानी के वाव का निर्माण सोलंकी राजवंश के राजा जो थे भीमदेव प्रथम उनकी रानी उदयावती ने इसका निर्माण कराया था। तो रानी का वाव संबंधित है गुजरात से, सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयावती ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, अगले चलते अपन व्यक्ति विशेष पर। सबसे पहले नंबर पर है आपकी शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक ने हाल ही में किलिमंजारो पर्वत, अफ्रीका के किलिमंजारो के पर्वत पर फतह की। ये शिवांगी पाठक वही है जिन्होंने पिछले साल 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। इन्होंने हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर फतह की और इन्हें द ईगल ऑफ द माउंटेन का टाइटल भी दिया गया। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि व्यापम ने पिछले साल इन पर्वतारोहियों से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया, जैसे कि नैना धाकड़। ठीक है, तो ये शिवांगी पाठक का आप नाम याद रखिएगा। शिवांगी पाठक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने अभी हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर फतह की और इन्हें द ईगल ऑफ द माउंटेन का किताब भी दिया गया।
अगला है आपका रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की पुस्तक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अभी पुस्तक कुछ ज़्यादा हाईलाइट में है। गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 से 1948। रामचंद्र गुहा की पुस्तक गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 से 1948, 1914 से 1948। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन खेलों की तरफ। सबसे पहले नंबर पर है हिमा दास। हिमा दास का संबंध आपका असम राज्य से है। इन्होंने हाल ही में हुए IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन के अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ में आपका स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न क्या बनेगा ये देखिए, IAAF अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट पूछे तो आपको हिमा दास लगाना है, लेकिन यदि इसी में IAAF अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट पूछा जाए तो उसमें आपको नीरज चोपड़ा लगाना है। वर्ष 2016 में नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवेलियन थ्रो अर्थात भाला फेंक खेल से संबंधित है। सेकेंड नंबर पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर खिलाड़ियों की सूची जारी करी, जिसमें पुरुषों में सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया, जबकि महिलाओं में कमला देवी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। थर्ड पर है आयरनमैन प्रतियोगिता। आयरनमैन प्रतियोगिता को विश्व का सबसे कठिन प्रतियोगिता माना जाता है। इसे आयरनमैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता कहते हैं क्योंकि इसमें 3 राउंड होते हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42.5 किलोमीटर का एक पूर्ण मैराथन होता है। इस ट्रायथलॉन को पार करने वाले अभी हाल ही में हमारे 2 भारतीय हैं। पहले नंबर पर है वीडी डोंगरा। वे इस प्रतियोगिता को पूर्ण करने वाले प्रथम सेना अधिकारी है वीडी डोंगरा, और दूसरी है अंजू खोसला, भारत की सबसे उम्रदराज महिला जिन्होंने 52 साल की उम्र में इस ट्रायथलॉन को पूर्ण किया। इस प्रतियोगिता को पूर्ण करने के लिए लगभग 17 घंटों का समय दिया जाता है, जिसमें वीडी डोंगरा ने इसे लगभग 14.5 घंटे में पूर्ण किया, जबकि अंजू खोसला ने इसे 15.5 घंटे में इस प्रतियोगिता को पूर्ण किया। नेक्स्ट फॉरेस्ट ग्रीन रोवर फुटबॉल क्लब। फॉरेस्ट ग्रीन रोवर फुटबॉल क्लब का संबंध आपका इंग्लैंड से है। इस फॉरेस्ट ग्रीन रोवर फुटबॉल क्लब को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कार्बन तटस्थ फुटबॉल क्लब घोषित किया है या प्रमाणित किया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने फॉरेस्ट ग्रीन रोवर फुटबॉल क्लब को कार्बन तटस्थ फुटबॉल क्लब के रूप में प्रमाणित किया है। अगला ओलंपिक शुभंकर से। वर्ष 2020 में टोक्यो में ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाना है, उसके शुभंकर की घोषणा भी हाल ही में की गई। ओलंपिक का शुभंकर है आपका नीले चेक ड्रेस वाला मिराई तोवा, जिसे शाश्वत भविष्य, इसका मतलब मिराई तोवा का अर्थ होता है शाश्वत भविष्य, यह नीला चेक ड्रेस पहना हुआ है मिराई तोवा। दूसरा पैरालंपिक का शुभंकर है आपका पिंक चेक ड्रेस वाला सोमाइति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चेरी ब्लॉसम, एक तरीके का पेड़ है। नेक्स्ट रिपोर्ट्स। पहले नंबर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 97वां स्थान रहा। पिछले साल भारत जहां 60वें स्थान पर था, वहीं इस साल 3 अंकों की बढ़त के साथ भारत 97वें स्थान पर पहुंच गया है। सेकंड FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स मींस फॉरेन डायरेक्ट कॉन्फिडेंस इंडेक्स, जहां पिछले साल भारत फॉरेन डायरेक्ट कॉन्फिडेंस इंडेक्स में आपका 8वें स्थान पर था, वहीं इस साल 3 अंक की गिरावट के साथ भारत 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इस 11वें स्थान में पहुंचने का मुख्य कारण है आपका विमुद्रीकरण और GST। इन 2 कारणों से भारत के FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। तीसरा, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत फ्रांस को पीछे करते हुए अब विश्व में 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बन गया है। फ्रांस का स्थान अब 7वां हो गया है, तो भारत ने फ्रांस को रिप्लेस कर 6ठे स्थान पर आ गया और फ्रांस अब 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स। हाल ही में भारत में पब्लिक अफेयर इंडेक्स, भारत में शासन व्यवस्था के आधार पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया। इस सूची में सबसे सुशासित राज्य केरल रहा, जबकि शासन व्यवस्था में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य रहा आपका बिहार। इस सूची में छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर है। सुशासित राज्यों की सूची में केरल प्रथम स्थान पर है, अपना छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर है, जबकि सबसे निचले स्तर पर है आपका बिहार। ठीक है, अगला नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक में सबसे प्रथम या नेतृत्व राज्य आपका रहा कर्नाटक। नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक में प्रथम राज्य रहा आपका कर्नाटक, जिसने इस वर्ष 12.3 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन किया।
नेक्स्ट है भाषाएं। वर्ष 2011 की जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 19,500 से अधिक मातृभाषाएं बोली जाती है। भारत की कुल आबादी का लगभग 96.71% आबादी भारत की अनुसूची के जो 22 भाषाएं हैं उसमें से कोई ना कोई एक भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलता है। तो ये दोनों आंकड़े को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अभ्यास। पहले नंबर पर है पिच ब्लैक अभ्यास 2018। पिच ब्लैक अभ्यास 2018 का संबंध वायुसेना अभ्यास से है। वायुसेना अभ्यास इसका आयोजन हो रहा है आपका डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा पिच ब्लैक 2018 अभ्यास जो है इसका संबंध है वायुसेना अभ्यास से। सेकेंड, शांति मिशन संघाई सहयोग संगठन में शामिल राष्ट्रों के मध्य यह मिशन चलाया जा रहा है, शांति मिशन। इस शांति मिशन में पहली बार भारत और पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए इस शांति मिशन में संयुक्त रूप से शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन हो रहा है आपका रूस में। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल यह एक थल सेना का सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन हो रहा है मॉस्को रूस में। इसमें कुल 7 देश के थल सेना भाग ले रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल का आयोजन हो रहा है आपका मॉस्को में। तो फिलहाल आज का हमारा जुलाई माह के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का टॉपिक हमारा आज यहीं समाप्त हो गया। यहाँ पे एक दो टॉपिक रह गए हैं, जैसे खेलों में आपके फीफा विश्व कप और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, टेनिस की जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ये सभी रह गए हैं। इसे हम एक साथ एक बार में खेलों की एक वीडियो बना करके उसमें हम पूरा ये सबको लेके चलेंगे। इसके अलावा यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया किसी भी टॉपिक पे कहीं भी डाउट लगे तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।